भारत माता के गीत, भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा, तो भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा, तो आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना, आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना। ओ हमने तो सौंप दी, हमने तो सौंप दी ये जिंदगी वतन को, हमने तो सौंप दी ये जिंदगी वतन को, आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना, आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना। ओ बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर, बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर, ओ दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना, दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना। ओ मैं भी खुल जाऊं और तुम भी खुल जाओ जरा, इसलिए जोर से तालियां बजा देना, तालियां बजा दे। थैंक यू सो मच। वक्त का मैं सीधा सीधा अपने प्रतिनिधि की से जोड़ता हूं, और जैसा कि मैं मुंबई में रहता हूं तो मुंबई में चार मिनट का मतलब चार मिनट ही होता है, तो मैं तुरंत अपना काम खत्म कर दूंगा। मेरा एक प्रतिनिधि गीत है हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस गीत की खासियत ये, इसका थोड़ा इको कम कीजिए ना। इस गीत की खासियत यह कि एक ही गीत है, मैंने भारत माता की वंदना में सिर्फ एक ही गीत लिखा है, लेकिन 108 बंद का गीत है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो दो तीन बंद सुना दूंगा, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो पूरे 108 सुना के जाऊंगा। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ मच यू वांट टू लिसन। और जैसा कि आप बनारस जाते हैं तो इच्छा होती है कि एक बार गंगा में स्नान करें, और जो राम भक्त होते हैं उनकी इच्छा होती है कि एक बार अयोध्या के दर्शन जरूर करें। इसी तरह दुनिया के किसी भी कोने का कवि हो, उसकी एक इच्छा ही जरूर होती है कि आदरणीय डॉक्टर साहब के सानिध्य में काव्य पाठ करें। और आज आपके सानिध्य में मुझे काव्य पाठ का मौका मिला है, मतलब मेरा अयोध्या का दर्शन पूरा हो गया। आप लोग इजाजत दीजिए, मैं अपना प्रतिनिधि गीत सुनाऊंगा और आप भी साथ देंगे तो मजा आएगा। भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे, भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे, भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे। और चाहे जितने कष्ट मिले, चाहे जितने कष्ट मिले हर जन्म यहीं पर चाहेंगे, चाहे जितने कष्ट मिले हर जन्म यहीं पर चाहेंगे। ओ खुद मिटकर भी करते रहेंगे, ओ खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद, ओ खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बंद देखिए। भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं, भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं, और जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं, जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं। और यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी छकते हैं, आपकी पगड़ी को समर्पित दो पंक्तियाँ। और यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी छकते हैं, और बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते हैं, बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते हैं। और यहाँ के कंकर पत्थर भी, यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं, यहाँ के कंकर पत्थर भी, यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं, भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। और यहीं पे, और यहीं पे दुनिया का हर मजहब होता है आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। और यह खास तौर से एक बंद सुनाकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। भारत ने वैसे दुनिया को सब कुछ सिखाया, पर एक चीज जो सिर्फ और सिर्फ भारत ने सिखाई है, भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, वो मिलेगी रिश्तेदारी। हर रिश्ते की अलग परंपरा हमने सिखाई है। माँ की बहन मौसी होती है, पापा की बहन बुआ होती है, बाकी सारी दुनिया में सिर्फ आंटी होती है। भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी, भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी। और एक ही नारी में, एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी, एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। और भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है, भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है। और भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है, भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है, भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है। ओ भारत में ही होली पर, भारत में ही होली पर ओ भाभी मतवाली होती है,
भारत में ही होली पर, भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है, और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है, और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है, और फूफा जी आते हैं, और फूफा जी तो आते हैं बस वो शादी के दिन याद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।